अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको हमें अपने जमान में रखे, आमीन। सुम्मा मिन रसीदुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और ये जैसे कि आपको पता है कि हमारा रिएक्शन चैनल है, तो जिसकी भी बात होगी हम लोग तो करेंगे। कोई गुस्सा करता है तो करे, किसी को बुरा लगता है तो लगे, क्योंकि हमारा जो चैनल है, हमारा जो काम है, हम लोगों ने वो सामने लेके आना, एक्सपोज करना है। जो गलत होगा वो हम लोगों ने बताना है, जो सही होगा उसका हम लोगों ने साथ देना है। और जैसे कि अभी मुस्कान का बहुत ही चला है चर्चा कि अल्लाह ताला, पहली बात तो ये कि बुरी शोहरत से हमें बचाए, इसीलिए कहा जाता है। क्योंकि अगर इंसान की शोहरत होती, वो अच्छी हो या बुरी हो, जिस तरह उसकी डेथ हुई है, वो मरी है और ख़ुदकुशी की है, और ये एक तरह की बुरी शोहरत है, जैसे पहले यूनस ने की और फिर उसके बाद मुस्कान ने की। और मुस्कान के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसको ख़ुदकुशी करनी पड़ी, वो मैं आपको दिखाती हूँ, सुनाती हूँ, और फिर उसके बारे में हम लोग बात करते हैं और डिस्कस करते हैं। भैया मैं मुस्कान दी अम्मी गाल करे नहीं पिया जी। मैं के मैं मुस्कान दी अम्मी गाल करे नहीं पिया जी। ओ ना जड़ा है ना खादम जेरे हंगाल नहीं करे ना वदई चीज दा तो पता है या कह ना किदे बंदे बंदे को आधा वदे वाला सारे नंबर ते भी मेरे घर वाले दे नंबर ते भी मैसेज करे ने बली मुस्कान दी ते यूनस दी मैंने कले नंगी वीडियो है। मैं नेट ते चढ़े सा असा के बली तुआडा नंबर सारे को आ पे मैं के मैं तुआकू दसा जा बली ये गाल नहीं जो करे ना वदे नंगी वीडियो अगर है ते मसला कह नहीं हुआ तू चाह डे तय को बोला इन चीज दही का पता होना चाहिए बोली कहीं नहीं धी बहन दी नंगी वीडियो चाड़न ने बाद वाला अंजाम क्या थी ने कोई है तो वक्त तो रोज तक धम क्या ना दे चाह दे नेट ते ना ना अंजाम ही ना कत्ल तो बाद ब्याह को अंजाम ठीक कर दे जलम कत्ल अगर की खड़े आसे मेरा बिरा ते तू कार्रवाई करे आ अगर ऐसा कत्ल की थी बैठे आसे खुदा दी अदालत ते क्यों है दुनिया ने अदालत क्यों क्यों बनया पा तू खुदा दी अदालत ते तू सकी बैठी अगर ये उन्ने लोके की ते बने पंज ता इंसाफ मिल देता मेरे को कोई इंसाफ नहीं मिलना। मैं खुद ते वो ते को अम्मी से दे मैं को वो गैरत इजाजत नहीं देना से मैं उन्हें अम्मी के खिलाफ वाला कोई कार्रवाई करा ना पीछे अब जो कुछ चीज है खुदा की ते मेरे नाल ने तुसा की ते अच्छा असा की ते ते असा लासू खुदा की ते ते खुदा दी अदालत ते तू सटी बैठी ना असा ही खुदा दी अदालत ते सटी बैठो बेली असा बुरे हो सू ते सारे नाल बुरा थी सी बाकी खादिम दा ये हक नहीं बनदा बेली सारी कुंवारी बाल दे बारे च गाली करे वदा चैनल चैट की ते को कोई तकलीफ क्यों मेरे चैनल को स्ट्राइक का नहीं तेन पहले हूं यूनेस दे त्रय वीडियो डिलीट की तेन स्ट्राइक का नहीं तेन कर मेहरबानी कर एंड मैं को फोन ही ना कीता कर मेहरबानी मैं को शौक कह रही तो को फोन करण दा मैं सिर्फ यो सनेहा देवण चाहनी अमी बेली खादिम को अपनी बोली समझे लो ते समझा दियो बाकी अगर कोई मेरी जीत दी नंगी वीडियो है तो तुसा चाड़ दियो फोन तो सही वाला तू कहने गाल सुन तो सही तो आप अलावण पैवे दे बेरा गाल ही नहीं सुनता। हां मैं अलावण पैवे नहीं सही आदा पई तू तो व्यूअर्स। और जी जैसे कि मैंने आपको ये बातें सुनाई हैं और देखें ये बहुत ही गलत बात है और इसीलिए हमें खुदकुशी हराम करार दी गई है, क्योंकि नहीं तो जितनी परेशानियां इस दुनिया में हैं हर एक से दूसरा बंदा खुदकुशी कर रहा होता, पर ये हराम करार दी गई है। और इसके बारे में मामा से भी बात करते फिर मैं भी अपनी राय बताती हूँ और डिस्कस करते हैं आप लोगों से। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको हमें हमेशा खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे और बुरी शोरतों से बचाए। अल्लाह ताला माफ करे, पहले तो जवान बच्चा गया और अब उनकी बेटी गई। तो मैं जैसे ये वावला सुन रही थी कि माँ को फ़र्क नहीं पड़ा, ये है वो है, तो पहले बातें होती रही, तो किस माँ को फ़र्क नहीं पड़ता? अल्लाह ताला ना करे कि उसके जवान बच्चे को कुछ हो जाए, बेटा ही हो बेटी हो, तो इसमें तो साफ पता चल रहा है ना कि उस लड़की को थ्रेट किया गया या उसको डराया धमकाया गया, तो उसने खुदकशी की। तो पहले ये हुआ कि मैं वो बात करती हूँ कि वो उधर जावेद साहब ने कहा है जी हमें उस यूनस से ज़्यादा मुस्कान की मौत का दुख हुआ, तो क्यों भाई? वो यूनस आपका दुश्मन था और मुस्कान रिश्तेदार थी, बहुत गलत बस बात। दोनों इस्लाम दुआ वाले थे और ऐसे नहीं कहना चाहिए, मौत ही है और दोनों बच्चों के साथ ज्यादती हुई है। अगर वालदैन इस लालच में ना आते जिस तरह आपस में बैठ के कंप्रोमाइज़ करते और शादी की उनकी जिस तरह उनकी लव मैरिज हो रही थी तो उनको अल्लाह के हवाले करते उनकी शादी कर देते,
कोई जरूरी नहीं होता बस ये बात जो गांव करना। के लोग हैं इनको चस्का पड़ गया हुआ है पैसों का। मैं तो सीधी बात हाँ करती हूँ, ना जी मैं किसी से डरती हूँ ना मैं किसी से लेके खाती ऐसे हूँ। ऐसे इनको पैसों का चस्का पड़ गया और इनको खाने की आदत पड़ गई हुई है। और ऐसे इनकी माओ का दिल करता है, बाप का दिल करता है कि ये बच्चे कमाते रहे और हम लोग खाते रहे। उनको उनकी ज़िंदगी देखने नहीं देते, इंजॉय नहीं करने देते। जैसे कि उन्होंने पसंद की शादी कर रहे थे और इनको पता था, मुस्कान की माँ को भी पता था कि उसने आगे चले जाना और आगे सारी कमाई जाएगी, ठीक है। क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं होगा कि लड़की आगे चली जाएगी तो वो अपने चैनल की कमाई अपनी माँ को देगी। तो उसको ये पता था कि शायद आगे मेरा चैनल चले या ना चले, आप इस वजह से अपनी बेटी को गुवा के बैठ गई हो, ठीक है। और मैं यही उसके माँ यूनुस के माँ बाप को भी मैसेज दूंगी ऐसे ही है, उसके कि बाप भी कैसे पैसों लड़ की रहा आगे खातिर से। छोड़ दें, आप लोग पैसों की खातिर पागल हो चुके हैं, बस पैसा 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 हो गया हुआ है। अब दो बच्चे चले गए इस दुनिया बिल्कुल से और पीछे से कितनी बातें निकल रही है, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है। तो अब देखे नई बात निकल आई, वो मंगेतर थे जी, उनकी नंगी वीडियो तो हम चढ़ा देंगे, तो ये चढ़ाते तो इनको भी पकड़ता ना, और दूसरी बात जितना इसीलिए मीडिया इस्लाम में फास्ट कहा है। गया है कि पहली बात के इतनी देर रिश्ता रख के हाँ इतनी देर रखते डायरेक्ट नहीं है, निकाह डायरेक्ट करें, रुख्सती निकाह करें, करें और रुख्सती करें, ठीक है। बिल्कुल जब मंगनियां होती हैं वो एक दूसरे के अंदर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, मिलना मिलाना हो जाता, ना मिलो तो लड़के फिर धमकिया देते हैं, हम मंगनी तोड़ देंगे, जो भी वट एवर जो भी, पर ये नहीं होना चाहिए। नहीं, हमेशा ही उसको मियाजा तो लड़की को भुगतना पड़ता बिल्कुल ना, लड़के का कुछ भी नहीं जाता, लेकिन यहाँ तो वो बेचारा भी अपनी जान से हाथ धो बैठा। बिल्कुल जी तो मुझे समझ नहीं आ रही ये किस तरफ दुनिया चली गई है। अगर वालदैन अपने बच्चों का ख्याल कर लेते, उस वक्त देख लेते, तो इतना उनके दोनों को ना मतलब बिल्कुल जी। के और खसारा साबरा था। के बारे में हम लोग सुबह बात हाँ करेंगे, वो भी माशाल्लाह से बिल्कुल, बहुत खुश हैं अपने बच्चों और के बच्चों लिए की कोई खातिर नहीं कभी रोने परेशान। लग जाती हैं कभी खुश हो जाती हैं। मुझे तो समझ नहीं लगती ये चल क्या रहा है। इधर से वो बच्चों की खातिर रो रही है और इधर से नए घरों का ख्वाब देख रही है, ये कर रही है वो कर रही है। बस अल्लाह ताला सबको हदायत दे। तो आमीन। जी ये छोटी सी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने का मतलब ये था कि अपने बच्चों की मर्जी देखें बिल्कुल और पैसों की खातिर आप लोग उनकी जिंदगियां बर्बाद ना करें। ना देखें करें, ना लड़के वालों के हाथ कुछ आया ना लड़की वालों के हाथ कुछ वो आया। बच्चे दोनों हाथ धो और बैठे। शोहरत उनको गंदी शोहरत मिली, आपको पता कि आपके बच्चे सारी जब तक क्यामत नहीं आएगी तब तक ये इसी तरह खुदकुशी करते मरते रहेंगे। रहेंगे बस अल्लाह ताला सबके लिए हदायत का सबको रास्ता। दे और बिल्कुल जितने भी बच्चे हैं उनके लिए अच्छा करे। आमीन। तो जी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।